सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को दबाइए और नोटिफिकेशन भी ऑन करिए जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बेसिक टू टॉप स्टडी क्लासेस में। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है, हम करा रहे हैं आपका SCF एंड LCM और उसी सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए लेक्चर नंबर 7 लेकर आपके लिए आए हुए हैं। और इसमें आपका एक कंसेप्ट क्लियर करूंगा मैं, आज आपने 2 क्वेश्चन लिए हुए हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, ठीक है, इसलिए थोड़ा कम कम क्वेश्चन ले लेके आपके कंसेप्ट क्लियर कराए जाएंगे, ठीक है। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपने अगर पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर उन्हें देख लीजिए, क्योंकि उनसे भी आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। तो इससे पहले जैसे कि आपको मालूम पड़ रहा है यहाँ से ही कि हमने यहाँ 29वां क्वेश्चन लिखा है, इसका मतलब इससे ये है कि इससे पहले मैंने 28 तक आपको करा दिए हैं, यानी आपके कितने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट छुट गए हैं वो आपको उधर ना ला सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप 29 और ये आपका 30 आपका आज करेंगे हम। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक चीज और देखिए कि यहाँ पे जो हमारे चैनल का नाम है वो है बेसिक टू टॉप स्टडी, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, इसकी मीनिंग भी लिख दी है, आप यूट्यूब में जाकर इसे सर्च कर लीजिए और वहाँ पे जाकर इसे सर्च करने के बाद इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जब भी वीडियो डालूंगा तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, 29, ठीक है, और 29 क्वेश्चन कह रहा है तीन अलार्म है, ठीक है, तीन अलार्म है 5, 10 और 15 मिनट के अंतराल पर, यानी 5 मिनट के अंतराल पर, 1 10 मिनट के अंतराल पर और 1 15 मिनट के अंतराल पर, यानी बाद अंतराल मतलब उनके बीच में जो अंतर है उसके अंतराल पर वो क्या करते हैं, वो बजते हैं, ठीक है। तो कितने समय के बाद तीनों अलार्म एक साथ बजेंगे, यानी एक बार ही रिंग करेंगे, एक मतलब सेम टाइम पर बजेंगे, यानी एक साथ ही बजेंगे, तथा 2 घंटे में वो है एक साथ कितनी बार बजेंगे। अब उसने थोड़ा 2 घंटे आपको टाइम दे दिया कि 2 घंटे में कितनी बार बजेंगे, पहले तो आपको बताना है कि मतलब जो बजेगा वो कब बजेगा एक साथ, उसके बाद आपको 2 घंटे में बताना है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन को कर लेते हैं स्टार्ट। देखिए 29 क्वेश्चन, तो हमें क्या करना है इसमें, इन तीनों का हमें एलसीएम लेना है 5, 10 और 15 का, ठीक है, 5, 10, 15 का एलसीएम लेंगे तो 5 से काट लेते हैं इसे, 5 एक 5, 5 2 10 और 5 3 15, ठीक है, फिर एक बार हम 2 से काट देंगे इसे और एक बार हम काट देंगे इसे 3 से, ठीक है। हमारा एलसीएम क्या हो गया, 3 2 6 56 30, यानी जो एलसीएम निकल के आया वो मेरा निकल के आया कितना, 30 मिनट, कितना 30 मिनट। तो 30 मिनट पर वो क्या करेंगे, एक साथ बजेंगे। अब वो पूछ रहा है कि आपको अगर स्पेसिफिक कोई टाइम दिया होता तो उसी में आप 30 मिनट जोड़ के बता देते, ठीक है, पर आपको स्पेसिफिक कोई टाइम नहीं दिया है तो आप नहीं जोड़ बता सकते हो। अब वो कह रहा है कि 2 घंटे में कितनी बार बजेंगे, तो 2 घंटे में कितनी मिनट होती है, यानी 2 इंटू में मिनट बनाने के लिए आपको 60 का गुणा करना पड़ेगा, और नीचे से आप किससे भाग देंगे, 30 से भाग देंगे, यानी 30 में एक बार बज जाती है, तो कितने बार बजेंगी, 30 दूनी, ठीक है। तो यहाँ से कितना निकला आया, तो यहाँ से निकला आया आपका 2 इंटू में 2 इक्वल टू कितना आ गया, 4 टाइम्स, पर ये 4 टाइम्स है वो आपका रियल में उत्तर नहीं है। तो रियल में उत्तर क्या होगा, देखिए ऐसे बजेंगी, इस प्रकार से मैंने ग्राफ खींच दिया, ये तो पहले 0 मिनट पर बजेंगी एक साथ वो, ठीक है, फिर वो बजेंगी कितने पर, 30 मिनट पर, फिर कितने बजेंगी, तो वो 60 मिनट पर बनेगी, यानी 30-30 का अंतर रहेगा, फिर वो 90 पे बजेंगी, फिर वो बजेगी 120 पर, ठीक है। तो कितने बार बज गई, तो ये बज गई 1, 2, 3, 4 और 5, तो जो आएगा उसमें आपको 1 जोड़ देना है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 टाइम्स बजेंगी, जैसा कि आप देख पा रहे हो मैंने आपको ग्राफ से भी समझा दिया है कि ये 5 टाइम्स बजेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को डील कर सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या क्या हुआ है चलिए देखते हैं उसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 4 अलार्म है 6 मिनट 8 मिनट 12 मिनट तथा 18 मिनट के अंतराल पर वो क्या करते हैं, वो बजते हैं। कितने मिनट के अंतराल पर, 6 मिनट के, 4, 8 मिनट के और आपके 12 मिनट के और आपके 18 मिनट अंतराल पर वो क्या करते हैं, बजते हैं। यदि वह है सभी एक साथ 4 बजे बजे हैं, कितने बजे बजे हैं, 4 बजे बजे हैं,
तो किस समय वह है पुनः एक साथ बजेंगे, किस समय बजेंगे पुनः एक साथ। अब उसने चार एक स्पेसिफिक टाइम दे दिया कि 4 बजे वो बजे थे, अब कितने बजे बजेंगे। ठीक है, तो 6 घंटे में वह कितनी बार बजेंगे ये भी उसने पूछा हुआ है, तथा वो 6 घंटे में कितनी बार बजेंगे। तो हमें क्या निकालना है, इनका एलसीएम किसका, 6, 8, 12, 18। ठीक है, अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 से काट देते हैं, 2 3 दो चौके, और ये हो जाएगा आपका कितना, 6 हो जाएगा, और ये आपका 9 हो जाएगा। फिर मैं इसे 2 से काटता हूँ तो 3 तो नहीं कटेगा, 2 2 4, 2 3 6, और ये आपका 9 का 9 रहेगा। फिर मैं इसे 2 से काट देता हूँ तो 3, और ये 1 हो जाएगा, 3 ही रहेगा और 9 ही रहेगा। फिर मैं इसे 3 से काटता हूँ तो 3 1 3, 1 1, और ये 3। ठीक है, अब फिर एक बार 3 से कट जाएगा तो फिर ये 1 1 1 रह जाएगा। जब तक 1 1 1 नहीं आ जाए तब तक आपको नहीं रोकना है। ठीक है, 3 9 9 2 18 18 2 36 36 2 72, तो एलसीएम कितना आया आपका, एलसीएम आ गया 72 मिनट। ठीक है, 72 मिनट, यानी 72 मिनट के अंतराल पर वो क्या करती है, 72 मिनट के अंतराल पर बजती है एक साथ। तो 4 बज गए, और 4 बज गए उसमें आपको 72 मिनट और जोड़नी है। ठीक है, तब वो बजेंगी एक बार, मतलब कौन से टाइम पे बज रही है वो बताएंगे। ठीक है, तो 4 में जब आप जोड़ोगे तो कितने बार, 4 से 5 बज जाएंगे, तो 60 मिनट आपका चला गया, यानी 5 बजकर और 12 मिनट, 2 12 मिनट बज गए, इस पर वो एक साथ बजेंगी। ठीक है, एक साथ इस पर बजेंगी इस टाइम पर। उसके बाद क्या कह रहा है कि 6 घंटों में कितनी साथ कितनी बार बजेंगी, 6 घंटों में। अब 6 घंटों में पूछ रहा है, तो 6 घंटों में कैसे निकालेंगे हम, तो हम डायरेक्ट निकाल देते हैं 6 घंटे, तो 6 × 2 में 60 मिनट होता है, और बट्टे में हमें कैसे लगाना है, 72 से भाग, क्योंकि वो इस समय अंतराल पर बचती हुई। ठीक है, उसे काटता हूं मैं तो कितने बार कट जाएगा, 6 × 6 = 12, और 12 × 5 = 60, कितना, 12 × 5 = 60। ठीक है, अब ये 5 टाइम्स आ गया, पर हमने कहा था आपको एक इसमें ऐड करना है, तो वो क्रियल में कितना निकल आएगा, 5 + 1 = 6 टाइम, तो 6 टाइम्स बजेंगी। ठीक है, कितने टाइम्स बजेंगी, 6 टाइम्स बजेंगी, यानी 6 आपका आंसर होगा। ठीक है, 6 आपका क्या होगा, आंसर होगा, यानी 6 घंटों में पूछ रहा है, तो 6 घंटों में पूछ रहा है तो कितना निकल आया, ये 5 टाइम्स। ठीक है, पर जो शुरू में स्टार्टिंग में वो 0 पे बजी होगी, कितने पे, 0 पे, इसलिए हम उसमें 1 जोड़ देते हैं, ये मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो अलार्म पे क्वेश्चन आते हैं एचसीएम एमसीएम में, आप उन्हें आसानी से हल कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो आपको ये समझ में आ गया होगा, लीजिए उतार लीजिए। ठीक है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब देखिए आपको दोस्तों क्या करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करना है, चैनल को जाके यूट्यूब में सर्च मारना है बेसिक टू टॉप स्टडी। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पे नोट डाउन किया मैंने, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी नोट डाउन किया है, आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट बॉक्स में बताना आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।